मुहर्रम गम मनाने का है, खुशी मनाने का नहीं। एक ताज़िया ले जाने के चलते, अपनी मक्कारी करने के चलते, अपना तमाशा बाज़ारों में अपनी माँ बहन को नीलाम करने के चलते तुम 3 दिन से लोगों को परेशान करके रखे हो। लोगों के मुंह से गाली निकलती है, बद्दुआ निकलती है कि तुम्हारे कारण बच्चे गर्मी से बिलख रहे हैं, लोगों का कारोबार ठप है, दूध फट रहे हैं, लोगों को गर्मी लग रही है, दुकानों में चोरियां हो रही है, लाइट नहीं है, ये मनहूस मिस्त्री, ये मनहूस बिजली विभाग, ये फ्रॉड बिजली विभाग फर्जी से लाइट जब चाह काटते हैं, जब चाह तार हटवा देते हैं, जब चाह तार जोड़वा देते हैं। आधे घंटे का काम में ये लोग 3 दिन लगाते हैं, और जब तार को काटा गया तो उस तार को जोड़ा क्यों नहीं गया। जब शाम में ताजियाबाजी होती है, जब शाम में मुहर्रमपुर में अय्याशी होती है, किस विधायक की मदद से, किस सांसद की मदद से, किस नेता की मदद से ये लोग तार काटते हैं। तार किसी के बाप की जागीर है, तार मुसलमानों की जागीर है। जब हिंदुओं का त्यौहार आता है तो लाइट को 24 आवर्स कर दिया जाता है, जब मुसलमानों का त्यौहार आता है मुसलमानों के एरिया की लाइट क्यों काट दी जाती है। ताजिया जब जाना होता है उस वक्त आप लाइट काट सकते हैं, उस वक्त आप तार हटा सकते हैं। जब ताजिया चली गई, रात हो गई, रात में मिस्त्री की बिल में एक्ट में यह लिखा है कि अगर ताजिया निकाला जाएगा तो तार काट दिया जाएगा, उसको 3 दिन तक छोड़ा नहीं जाएगा। हम बिजली को, सरकार को बिल देते हैं, बिजली जलाने का पैसे देते हैं, फ्री में सरकार हमें एक आना भी नहीं देती है, उसके बावजूद हम क्यों परेशान रहे, हमारे व्यापारी क्यों परेशान रहे, हमारे व्यापारी का लाखों का दूध क्यों फट गया। कौन से कुरान में, कौन से हदीस में लिखा है कि ताजिया निकालने के लिए तार हटा दो, 3 दिन तक बिजली गायब रखो। आज जिस दुख के साथ और अफसोस के साथ और बेहद शर्मिंदगी के साथ मैं ये न्यूज़ आप सभी के सामने ये बातें रखने जा रहा हूँ, ये न्यूज़ प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, ये अररिया ज़िले के बसंतपुर पंचायत, रामपुर पंचायत, मदनपुर, बोची, बटरवारी आदि जहाँ से बिजली उत्पन्न होती है, बिजली विभाग बोची फीटर या मदनपुर फीटर, जो भी फीटर है, यहाँ के जो जई है, जो बिजली के मेन कर्मचारी होते हैं, जिनके अंडर में लाई बिजली दी जाती है, ली जाती है, बिजली वायर को, तार को कट किया जाता है, और इनके मिस्त्रीगण मुहर्रम से 2 दिन पहले यहाँ से लाइट गायब है। मुहर्रम 9 और 10 को है, आज 11वां दिन है, 11वीं है, 9 और 10 और 11, आज 3 दिन हो चुके हैं हमारे यहाँ, हमारे इलाके में लाइट नहीं आई है। हम आपको वीडियो के ज़रिए ये दिखाएंगे कि कितने व्यापारी हैं, दुकानदार हैं, जिसका दूध ख़राब हो चुका है, जिनकी मिठाई ख़राब हो चुकी है, जिनका कोल्ड ड्रिंक ख़राब हो चुका है, ऐसे कई सारे सामान है, आइसक्रीम है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मिल नहीं रहे हैं, लोग पीना चाह रहे हैं, गर्म होने की वजह से पी नहीं रहे हैं, दूध कितना लीटर लोगों का बर्बाद हो गया, फट गया, दूध फेंक रहे हैं व्यापारी दुकानदार, जो 10 रुपये 5 रुपये कमा के अपना परिवार चलाते थे, वो लाइट कटिंग के वजह से, लाइट ना रहने के वजह से परेशान है, लेकिन आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। एक ताजिया को लेकर इस्लाम धर्म के जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, ये वो मुसलमान है, ये वो वहशी दरिंदे मुसलमान है जो मुहर्रम के नाम पे ताजिया चलाते हैं, ढोल बजाते हैं, लाठी बांझते हैं, तलवार दिखाते हैं। और इन लोगों को आप सही से जानेंगे, इनके अंदर से इनकी जानकारी निकालेंगे। आप हमको बताइए, 3 दिन से लाइट गायब है, इतनी गर्मी हो रही है, लोग अंधेरे में परेशान है, अंधेरे की फ़ायदा उठाकर कई दुकानों में चोरी हो गई है, ताले टूट गए हैं, ताले इतने मजबूत थे कि उनको तोड़ने में काफ़ी समय लगा, जिसके चलते चोर कामयाब नहीं हो पाया, लेकिन ताला तोड़ने में कामयाब हो पाया, दुकान खोलने में कामयाब नहीं हो पाया। यही नहीं, यहाँ का जो जई है इतना मनहूस है, जब उनसे कॉल पे आप कॉल करेंगे, कोई जानकारी लेना चाहेंगे, कोई सूचना देना चाहेंगे, वो बेचारे कॉल नहीं उठाते हैं। उनका मोबाइल आपको हमेशा खुला मिलेगा, लेकिन घंटी होगी, रिंग होगा, वो कॉल को रिसीव नहीं करते हैं डर से। और ये जो नाटकबाज अपने आप को मुसलमान कहते हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ी रखते हैं और
मुंह में पान चबाए ताजिया जुलूस निकालते हैं। अरे मुसलमानों, क्या तुमको पता है कि मुहर्रम किस चीज़ का नाम है? मुहर्रम के दिन क्या हुआ था? मुहर्रम गम मनाने का है, खुशी मनाने का नहीं। एक ताजिया ले जाने के चलते, अपनी मक्कारी करने के चलते, अपना तमाशा बाजारों में अपनी माँ बहन को नीलाम करने के चलते तुम 3 दिन से लोगों को परेशान करके रखे हो। लोगों के मुँह से गाली निकलती है, बद्दुआ निकलती है, ऊपर वाला भी देखता होगा। तुम पकड़े जाओगे, कयामत के दिन पकड़े जाओगे कि तुम्हारे कारण बच्चे गर्मी से बिलख रहे हैं, लोगों का कारोबार ठप है, दूध फट रहे हैं, लोगों को गर्मी लग रही है, दुकानों में चोरियां हो रही है, लाइट नहीं है, ये मनहूस मिस्त्री, ये मनहूस बिजली विभाग यह काटते हैं, जब चाह तार हटवा देते हैं, जब चाह तार जोड़वा देते हैं, आधे घंटे का काम में ये लोग 3 दिन लगाते हैं, और जब तार को काटा गया तो उस तार को जोड़ा क्यों नहीं गया? जब शाम में ताजियाबाजी होती है, जब शाम में मुहर्रमपुर पे अय्याशी होती है, किस विधायक की मदद से, किस सांसद की मदद से, किस नेता की मदद से ये लोग तार काटते हैं? तार किसी के बाप की जागीर है, तार मुसलमानों की जागीर है। जब हिंदुओं का त्यौहार आता है तो लाइट को 24 आवर्स कर दिया जाता है, जब मुसलमानों का त्यौहार आता है मुसलमानों के एरिया की लाइट क्यों काट दी जाती है? ताजिया जब जाना होता है उस वक्त आप लाइट काट सकते हैं, उस वक्त आप तार हटा सकते हैं। जब ताजिया चली गई, रात हो गई, रात में मिस्त्री कि तार को जोड़ा नहीं गया, मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए और आप सभी दर्शकों से जवाब चाहिए। बेबस हो चुके हैं, लाचार हो चुके हैं कि आप सरकार के खिलाफ, इस भ्रष्टाचार के खिलाफ, इस प्रशासन के खिलाफ, किस प्रशासन के इजाजत से तार काटा गया? किस बिल में, एक्ट में यह लिखा है कि अगर ताजिया निकाला जाएगा तो तार काट दिया जाएगा, उसको 3 दिन तक जोड़ा नहीं जाएगा? हम बिजली को, सरकार को बिल देते हैं, बिजली जलाने का पैसे देते हैं, फ्री में सरकार हमें एक आना भी नहीं देती है, उसके बावजूद हम क्यों परेशान रहे? हमारे व्यापारी क्यों परेशान रहे? हमारे व्यापारी का लाखों का दूध क्यों फट गया? कौन से कुरान में, कौन से हदीस में लिखा है कि ताजिया निकालने के लिए तार हटा दो, 3 दिन तक बिजली गायब रखो? कौन देगा इसका जवाब? मैं जानना चाहता हूं यहां के जई से, यहां के विधायक से, यहां के सांसद से, और यहां के वहशी मुसलमानों से जो ताजियाबाजी करते हैं, नारेबाजी करते हैं, अपनी मां बहन बेटियों की इज्जत बाजारों में जाके नीलाम करते हैं। जई की क्यों फटती है कॉल उठाने में? जई आखिर लोगों का फोन क्यों नहीं रिसीव करता? सरकार उसको किस चीज के लिए बहाल किया है? शहरों में कोई प्रॉब्लम होती है तो लाइट फौरन ठीक हो जाती है, यहां जब तार काटा गया, तार जोड़ने का व्यवस्था क्यों नहीं किया गया? हम यही आप दर्शकों से यही जानना चाह रहे हैं, यही सुनना चाह रहे हैं कि जब एक ताजिया के लिए तार को हटाया जाता है, उस तार को दोबारा जोड़ने में कितना समय लग सकता है, जोड़ा क्यों नहीं जाता है? मिस्त्री कहाँ मर जाता है? जई कहाँ घुस जाता है? ना वो फोन रिसीव करता है, ना उसके पास कोई जवाब होता है। एक ताजिया के लिए 200 लोगों के लिए 10,000 लोगों को परेशान करना, ये कहाँ का इंसानियत है?